हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रवि राणा व्लॉग्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम फिट होंगे। आखिरकार उत्तराखंड का सफर शुरू हो चुका है। दिल्ली से निकले तकरीबन सुबह 7 बजे, आराम आराम से आते हुए ऋषिकेश में कुछ काम था। अब हम पहुँचे हैं लगभग चंबा के पास। वक्त हो चला है 3 बज रहे हैं। अब यहाँ से ज़्यादा सफ़र बाकी नहीं है, बट ये है कि अब आगे की जर्नी जो है पहाड़ों वाली है, सो आराम आराम से एंजॉय करते हुए जाएंगे। फ़िलहाल मैं हूँ इस वक्त टिहरी डिस्ट्रिक्ट। हम पहुँच चुके हैं और यहाँ से काफ़ी शानदार एक नज़ारा है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। और उसको दिखाने की वजह ये भी है कि धीरे धीरे ही सही मगर टिहरी में अब टूरिज़्म पर ध्यान दिया जा रहा है। ये है सामने वो फेमस पुल टिहरी का, डोबरा चांटी पुल, और उसके साथ में ये फ्लोटिंग हाउसेज आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, और वो एक छोटा सा बीच में स्टीमर वहाँ तैरता हुआ। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा ये है। और जब कभी भी आपको मौका मिले टिहरी आने का तो एक बार यहाँ ज़रूर आएं। तो ये है मेरे पीछे डोबरा चांटी ब्रिज, जो हिंदुस्तान का सबसे लंबा मोटरवे ब्रिज है। इसकी पूरी लंबाई जो डिस्टेंस है वो 725 मीटर्स, एक छोर से दूसरे छोर के लिए। जब से ये पुल बना है इसने तकरीबन जो सफ़र पहले 5 घंटे में तय होता था उसको इसने 1.5 घंटे ला के रख दिया है। इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ था 2006 के आसपास इसको बनाने का प्रपोजल आया था, उस टाइम पे इसकी कॉस्ट रखी गई थी 86 to 89 करोड़ के आसपास। जब ये कंप्लीट हुआ है 2021 में, 2020 में कंप्लीट हुआ है, पिछले अभी 5-6 महीने पहले ये इनोग्रेट हुआ है आम जनता के लिए, ये कंप्लीट हुआ है 2.89 करोड़ में। सबसे ख़ास बात इस पुल की जो है वो शाम के वक्त जब इस पे लाइट जलती है एक छोर से दूसरे छोर से, ये पूरा जगमग लाइट के साथ काफ़ी सुंदर नज़र आता है। तो थोड़ी देर में यहाँ अंधेरा होने वाला है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊँगा इस पुल की खूबसूरती। और क्यों अगर आप टिहरी कभी आते हैं और अगर आप यहाँ नहीं आए तो अगली बार जब भी आएंगे तो एक बार ज़रूर आइएगा, यू विल लव दिस प्लेस। सो फाइनली वी चेक्ड बिफोर लीविंग, निकलने से पहले पता कर लिया था हमने यहाँ से, अदरवाइज हम निकलने वाले थे। इसकी जो टाइमिंग है वो शाम को 7 बजे इसकी लाइट जलती है, 7 बजे। तो 7 बजने में मात्र 4 या 5 मिनट रह गए हैं, लाइट जलने वाली है। मैं करूँगा पहले फेसबुक लाइव और फिर लूँगा अपने व्लॉग के लिए एक शॉट। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है डोबरा चांटी ब्रिज। लुक एट दिस ब्लू कलर एंड नाउ इज चेंजिंग। सो दिस इज द रीजन व्हाई एवरीबॉडी इज कमिंग हियर। दिस इज सो ब्यूटीफुल, आई कैन इवन टेल यू। बहुत ही जबरदस्त नज़ारा ये है। तो चलिए, मेरी शक्ल बहुत दिख ली, अब आपको मैं थोड़ा सा एक व्यू दिखाता हूँ अच्छा सा। तो अगर आप मोमोज के फैन हैं, जैसे कि डेली मोमोज, यहाँ पे डिमसिम पॉइंट है यहाँ पे एक बिल्कुल इस ब्रिज के पास में। सो जब कभी भी आप इस ब्रिज में आएंगे तो यहाँ से अगर आप चाहें कुछ खाना है स्नैक्स, तो वैसे लाइन से काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं मगर यहाँ से आप ट्राई कर सकते हैं। मैं भी यहाँ से मोमोज ट्राई करने वाला हूँ, फिर देखते हैं कैसा रहता है टेस्ट।
सो ये है मेरी प्लेट जो भाई ने मुझे बना के दी है। ओहो बहुत ही बढ़िया चटनी की, बढ़िया इसलिए क्योंकि दिल्ली वाला टेस्ट आपको नहीं मिलेगा, मगर इसका एक अलग फ्लेवर है। चटनी बहुत ही शानदार, जब भी मौका मिले। और यहाँ पे पेमेंट सारा अवेलेबल है, जैसे मर्जी आप करें। भाई का नाम हैरी, हैरी ज्वेल यहाँ पे है, राघव ज्वेल के भाई हैरी ज्वेल यहाँ पे हैं। इनसे मिलिए, इनके पास आइए, इनका स्टॉल है यहाँ पे। एंजॉय द फूड एंड यू विल लव इट।